Hello children, welcome back to our session. Today we are going to do a quick revision of our second evaluation paper. Now children, let's start. So our first topic is addition. Now children, it's a very simple method. Okay, first question is 4 plus 5 is equal to how much? 4 plus 5 kitna hota hai? सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर के आगे कितना सर्कल्स बनाएंगे? हमारे पास फोर है तो हम फोर सर्कल्स बनाएंगे, 1 2 3 4. नेक्स्ट इज 5, 5 है तो 5 के आगे 5 सर्कल्स बनाएंगे. ओके, अब 4 प्लस 5 कितना हुआ, हम कैसे करेंगे? ये सारे सर्कल जो हमने बनाए हैं वी विल count all together. So let's start counting. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So all together this makes 9. Okay, so 4 plus 5 is 9. आप लोग एग्ज़ाम में भी ऐसे सर्कल बनाओगे, जितना हमारे पास यहाँ नंबर है उतना आप सर्कल बनाओगे. ओके, प्लस मीन्स वी हैव टू काउंट ऑल टुगेदर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज 6 प्लस 1. तो यहाँ क्या है नंबर? 6 है तो हम कितने सर्कल बनाएंगे? 6, 1 2 3 4 5 6. 1 है तो कितने सर्कल? 1 के आगे 1 सर्कल, 6 के आगे 6 सर्कल. नाउ काउंट ऑल टुगेदर, 1 2 3 4 5 6 7. So 6 plus 1 is 7. Let's go to another example. 5 plus 5. ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, तो ऐसे मत कर देना कि ऊपर नीचे दोनों 5 है तो हम एक ही बार बनाएंगे सर्कल. नो, 5 के आगे 5 सर्कल, अगेन नीचे भी 5 है, 5 के आगे 5 सर्कल, 1 2 3 4 5. अब एक बात का ध्यान रखना, वाइल काउंटिंग यू विल कट द सर्कल. ऐसे नहीं कि आप ऐसे 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 गिनोगे वापस, उसको वापस एक बार गिनोगे. नो, यू हैव टू कट द सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो 5 प्लस 5 गिव्स यू 10. Now another example is 3 plus 4. अब 3 है तो हम कितने सर्कल्स बनाएंगे? 3 सर्कल. सो लेट्स स्टार्ट, 1 2 3. नीचे 4 है तो 4 के आगे हम कितने सर्कल बनाएंगे? 4 के आगे 4 सर्कल, 1 2 3 4. अब हम गिनेंगे ऑल टुगेदर, वी विल काउंट द सर्कल्स. सो लेट्स स्टार्ट काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7. सो 4 plus 3 is 7. नेक्स्ट वन 2 plus 1, 2 के आगे 2 सर्कल, 1 के आगे 1 सर्कल. So we will count 1 2 3. Next is 8 plus 2. 8 बहुत बड़ा नंबर है तो सर्कल बनाओगे तो थोड़ा अच्छे से बनाना, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 के आगे 2 सर्कल. So let's count, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. Okay? Next, we are going to learn the concept of ascending order. Okay? So children, ascending order means पहले सबसे छोटा, ओके, फिर थोड़ा बड़ा और सबसे बड़ा, ओके, सबसे छोटा, थोड़ा बड़ा और सबसे बड़ा, ओके. तो चिल्ड्रन, आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ कौन से नंबर्स है. फर्स्ट वन इज वन. स्टार्ट राइटिंग वन इन द बॉक्स, ओके. वन के बाद आप काउंटिंग करना शुरू कर दो. वन के बाद टू है, नो, थ्री, फोर, फाइव. यस, वी हैव फाइव ओवर हियर, सो आई विल राइट फाइव. देन आफ्टर फाइव, सिक्स, नो, सेवन, नो, एट, नो, नाइन, नो, टेन. यस, वी हैव टेन ओवर हियर, सो टेन. तो फाइव के बाद वी हैव टेन. आफ्टर टेन, अब गिनो क्या अकेले बचा है. फिफ्टीन, क्योंकि वन भी आ गया हमारे पास, फाइव भी आ गया हमारे पास, टेन भी हमने ले लिया, तो क्या अकेले बचा, फिफ्टीन. सो फिफ्टीन इज द बिगर नंबर, वी विल राइट एट लास्ट. तो देखो, सबसे पहले वन, देन फाइव, देन टेन, फिफ्टीन. सबसे छोटा, थोड़ा बड़ा और भी बड़ा, सबसे बड़ा. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. अब देखो, ये वाले एग्जांपल में सब कुछ टू डिजिट है. 1717, 1010, 8 अकेला सिंगल डिजिट नंबर और 2020. तो जो सिंगल डिजिट नंबर होता है वो सबसे छोटा, सो वी विल राइट 8. आफ्टर 8 9 नहीं है, 10. सो 10 वी हैव, वी विल राइट हियर. 10 के बाद एक भी क्या है, 11 नहीं है, 12, नो, 13, 14, 15, 16, 17. 17 हमारे पास है ना, 17. आफ्टर 17 कम्स 18, नहीं है हमारे पास, 19 भी नहीं है, लेकिन 20 है, मीन्स 20 वी विल राइट हियर. ओके, 8, 10, 17, 20. Okay, students, I hope you understood this concept. Let's meet tomorrow.